आपका क्वेश्चन है, अ फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन, इन 12 इयर्स टाइम ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। ठीक है नाउ, तो हमारे पास में कौन कौन है, फादर है एंड सन है ना। तो हमने क्या किया, फादर एंड सन। नाउ प्रेजेंट एज, वी विल राइट द प्रेजेंट एज ओनली। तो प्रेजेंट एज यस के साथ में, तो फादर्स का हमने ले लिया एक्स इयर्स एंड सन का ले लिया वाई इयर्स। ठीक है, तो एक्स एंड वाई। नाउ अब स्टेटमेंट पढ़ो, इसने क्या बोला है, फादर एज इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, दैट मींस x इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द सन एज, दैट मीन्स थ्री वाई। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है नाउ, फिर आगे देखो इसने सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कहा है, इन 12 इयर्स टाइम, 12 इयर्स टाइम ही विल बी, दैट मीन्स आफ्टर 12 इयर्स, तो वी कैन राइट इट एज आफ्टर 12 इयर्स। तो अगर फादर का एज इज एक्स नाउ, आफ्टर 12 इयर्स कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12, एंड सन का एज क्या हो जाएगा आफ्टर 12 इयर्स, वाई प्लस 10 है ना, वाई प्लस 12 हो गया। नाउ अब आगे क्या है, देखो इसने क्या बोला, ही विल बी ट्वाइस, दैट मीन्स टू टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू टू इंटू वाई इज टू वाई प्लस टू इंटू 12 इज 24 है ना। 12 को इस साइड में लेके जाओ, आपका आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस 24 माइनस 12। ठीक है नाउ, तो एक्स इज इक्वल टू टू वाई प्लस 24 माइनस 12 इज 12। नाउ अब यहां पर देखो क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, तो इंस्टेड ऑफ एक्स वी विल राइट थ्री वाई नाउ। तो हमने क्या किया, इधर लिख दिया थ्री वाई इज इक्वल टू टू वाई प्लस 12, टू वाई को लेफ्ट में लेकर आ जाओ, आपका क्या आ जाएगा, देखो थ्री वाई माइनस टू वाई दैट इज इक्वल टू 12, तो थ्री वाई माइनस टू वाई इज वाई, तो आपका आ गया वाई इज इक्वल टू 12, तो वाई किसकी एज है, सन की, तो वी कैन राइट इट एज इयर्स। तो सन की एज इज 12 इयर्स, तो फादर की क्या हो गई, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई, तो आपका क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36 इयर्स। ठीक है, तो फादर्स एज इज 36 इयर्स एंड सन का एज कितना है, 12 इयर्स। ठीक है,